आप इस न्यूज़ की कंफर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड डेटेड शिमला 2/8/17। नोटिफिकेशन जो है वो अब जारी हो चुकी है। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लेस टू ऑर्डर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गवर्नर ने जो है वो इसकी पुष्टि भी कर दी है, कन्फर्मेशन जो है लेटर इशू हो चुका है नोटिफिकेशन। तो एक टीम बनी थी तो उसमें जो है NEP हिमाचल एक सबसे पहला राज्य बन चुका है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला एक पहला राज्य जो है बन चुका है। तो एक बड़ा GK है, ओके। तो कभी भी चेंज ना होने वाला ये हिमाचल की तरफ से एक GK का क्वेश्चन है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं ये कितने सदस्य टीम थी और कौन इसका अध्यक्ष था। ये भी GK में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अक्सर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जो है जारी कर दी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य जो है वो बन चुका है। इसमें जो है इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया था। शिक्षा मंत्री उसके गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। सो अब थोड़ी सी उसकी नोटिफिकेशन के ऊपर भी देख लें।